7 मिनट की इस वीडियो में हम घातांक का बेसिक पार्ट को चर्चा करेंगे। देखिए, ये गणित बेसिक सीरीज चल रहा है, तो इसमें हर तरह के बेसिक, छोटे से छोटे बेसिक, जिसे गणित करने के लिए जानना काफी जरूरी है, उस पर संपूर्ण रूप से जोर दिया गया है। और साथ ही साथ ये 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाई जाती है, एकदम छोटी वीडियो, कि आप विषय वस्तु को इस तरीके से समझ लें। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है जिसपे आप प्रैक्टिस कर लें। तो पहले हम आपको घातांक के बारे में समझाएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, कि अभी तक के जितने 8 वीडियो भी डल चुके हैं, बेसिक पार्ट वो आपको कहां से मिलेगा, साथ ही साथ कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर के ऊपर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, जैसे हमने लिखा कि 2 का घन 2 to the power 3 2 क्यूब। देखिए, यहां पे 2 शब्द को हम पहले पहचानेंगे। पहला शब्द है 2, जो लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस या आधार। ये 2 क्या है, बेस या आधार। और ये 3 जो है इसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं या हिंदी में घात बोलते हैं, या तीसरी भाषा हम बोलचाल की भाषा में पावर बोलते हैं। तो आप इस पहले इस चीज को जानना जरूरी है, 2 का क्यूब में 2 क्या हो गया, ये आधार हो गया, बेस हो गया। ऊपर जो 3 लिखा हुआ है वो क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया या घात हो गया। बस इतना समझने से ही हमारा काम चल जाता है। चलिए अब अगले पार्ट को देखते हैं। अब हम लिखते हैं 2 to the power 0। देखिए, काफी बेसिक है ये चीजें। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। कोई भी संख्या हो, आधार में कुछ भी लिखा हो, अगर एक्सपोनेंट या घात 0 है तो उसका वैल्यू जो होगा, मूल्य होगा, वो 1 के बराबर होगा। जैसे हमने यहां पर आधार क्या 5 कर दिया और एक्सपोनेंट या घात क्या है 0 कर दिया, तो देखिए इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। चलिए एक बात को समझ लिए। देखिए, छोटे छोटे मुद्दों को हम लेते हुए बड़े आसानी के साथ आपके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है, देखो इसमें बेस 2 है, अब घात जो है 0 की जगह पे 1 ले लिया, 2 to the power 1, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर 2। मतलब क्या है, 2 को 1 बार गुणा करने की बात कर रहे हैं। अगर हम 18 बेस में 18 लिया, एक्सपोनेंट 1 लिया, ठीक है ना, या 18 to the power 1 बोला, इसका मतलब क्या हुआ, 18 को 1 से गुणा करना है, तो ये 18 हो गया। तो ये हमने जाना, अगर 2 को स्क्वायर करते हैं, मतलब बेस अगर 2 है और घात 2 है, तो मतलब बोला गया, इसका मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 into 2 बराबर 4 हो गया। उसी तरह अगर 6 का क्यूब है, मतलब बेस 6 है और एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला कि 6 को भैया 3 बार गुणा करो, मतलब एक्सपोनेंट जो होता है उतनी बार बेस को गुणा करना पड़ता है। एक्सपोनेंट संख्या बताता है बेस कितनी बार गुणा होगा, इसीलिए 2 का स्क्वायर जो हुआ, स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वो एक्सपोनेंट था और बेस क्या था, 2। तो यहां पर स्क्वायर बताया कि बेस को 2 बार गुणा करना, इसलिए 2 गुना 2 हुआ। 6 का क्यूब जो था, क्यूब एक्सपोनेंट है, घात है, वो बताता है कि बेस को 3 बार गुणा करना होगा, इसलिए हमने 6 गुना 6 गुना 6 लिखा। आशा करता हूं एकदम समझ गए। अब 2 to the power -2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है, देखो 2 को तो 2 बार गुना करना है, लेकिन ये बटे में गुना होगा, अर्थात 1/2 गुना 2, 2
2 टू द पावर माइनस 2 बराबर, देखो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 का जब स्क्वायर था 2 गुना 2 हुआ, और जैसे ये पावर माइनस 2 में हो गया ये 1 बटे में आ गया। दूसरा लिख लेते हैं 6 टू द 6 टू द पावर क्यूब, देखो 6 गुना 6 गुना 6 और 6 टू द पावर माइनस 3 मतलब 1 बटे 6 गुना 6 गुना 6। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया है। इन चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है, ये ओरिजिनल मैथ करने में जरूरत होता है। और यहीं पे अगर जो मैंने बोला ना कॉमर्स के स्टूडेंट आर्ट्स के स्टूडेंट यहाँ अटक जाते हैं, उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली चीजें हो जाती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो हम अगर बोलते हैं आपको अच्छा 2x² प्लस 3x² क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, अरे महाराज क्या बोलते हो 5x² होगा, 2 और 3 जुड़ जाएगा। तो फिर अगर मैं बोलूं 2 × 3² प्लस 3 × 3² क्या होगा, देखो x के जगह हमने 3 ले लिया है, तो फिर ये 2x² प्लस 3x² अगर 5x² होगा, यहां भी 2 और 3 जुड़ के 5 होगा, 5 × 3² होगा। इस पैटर्न को मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, ये जरा ध्यान में आगे जब हम गणित करेंगे फुल फ्लेज्ड गणित करेंगे तो इस चीज को हमें जानना काफी जरूरी है। आगे चलते हैं, देखो 2x² प्लस 3y² या बोलोगे सर जोड़ी नहीं सकती है क्योंकि x अलग है y अलग है, गधे के साथ घोड़ा नहीं जोड़ा जा सकता है, x अगर गधा है तो y घोड़ा है, तो दोनों कभी नहीं जोड़े जा सकते। हमको बोलना है अगर 2 गधे 3 घोड़ा बोला जाता है तो कभी नहीं बोला जाता है 5 गधे या 5 घोड़ा, 2 गधे प्लस 3 घोड़ा को 2 गधे प्लस 3 घोड़ा ही बोलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। उसी तरह देखो 2 × 3² प्लस 3 × 5² इसको आप जोड़ के नहीं बोल सकते हो, 5 × 5² नहीं बोल सकते हो, ये x² है ये y² है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 3² का 9 हुआ और 2 × 9 = 18, 5² का 25 हुआ और 3 × 25 तो 25 प्लस 18 बराबर 93 हुआ। तो आप ऐसे जोड़ सकते हो क्योंकि x और y संख्या के मान में है, नहीं तो आप जोड़ भी नहीं सकते थे जैसे हम x और y को लेके कर रहे थे। अब आगे एक सवाल को चलते हैं, देखो 3² प्लस 3 to the power 4 क्या ये आपस में जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि संख्या है, संख्या को संख्यागत मान में बदलकर हम इसे जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम इसे संख्यागत मान, 3² मतलब 9, 3 to the power 4 मतलब 81, 3 × 4 = 81 गुणा करना है 81 होगा, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। 3² प्लस 3 to the power 4 बराबर 3 to the power 6 नहीं कर सकते, इसे ख्याल में रखना होगा। ये सब बेसिक्स इतने छोटे बेसिक्स है जिसमें हम गलतियां करते हैं। तो चलिए ये हम समझ गए एक पार्ट, लेकिन 3² देखो × 3 to the power 4 यहां पर प्लस है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो गया, गुणा का चिन्ह हो गया, जैसे ये गुणा के चिन्ह में घातांक आते हैं तो घातांकों के में जोड़ हो जाता है। मतलब इस दुनिया में क्या होता है, देखो बेस तो एक ही रहा, घात संख्या आपस में जुड़ गए, बेस एक रहा घात संख्या आपस में जुड़ गए, 2 + 4 हो गया, यहाँ 3 to the power 2 था, 3 to the power 4 था, यहाँ ये बेस एक ही रहा 3 का, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, ये 3 रहा, लेकिन घात संख्या एक्सपोनेंट जो है वो आपस में जुड़ गए बराबर 3 to the power 6 हो गया। तो ये आप जरूर समझ चुके होंगे। अब देखिए यहां पर 5 to the power -2 × 5 to the power 4 देखो बेस एक है, बेस एक है, तो फिर क्या हो रहा है, गुणा की चिन्ह में है तो एक्सपोनेंट आपस में जुड़ेंगे, तो 5 − 2 + 4 यहां -2 था इसलिए −2 + 4 तो +4 से −2 जाएगा तो बराबर 5 to the power 5² हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका उत्तर होगा। आशा करते हैं समझ गए हैं।
अब तीसरा सेम 7 to the power -6 और 7 to the power 4। देखो बेस एक है, 7 है और यहां गुणा का चिन्ह है। ये दो कंडीशन होता है तभी एक्सपोनेंट जुड़ते हैं। आप इसमें बोलेंगे पावर बेस एक है 7, ये -6 + 4 हुआ और देखो ये 7 to the power -2 हो गया। क्या है कि 6 - 6 बड़ी है +4 से, इसका मतलब 1/7 square। क्या है कि हम जानते हैं -2 का मतलब है 1/2 हो जाता है, ये हमने यहां पर देखा है। तो फिर हमें ये समझ में आ गया। अब हम चलिए एक और बात पे करते हैं। देखो 3 to the power 2 है, 2 to the power 3 है, इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर बोलने की क्या बोला जा रहा है, ये बेस 3 square है और ये एक्सपोनेंट बोलता है कि भैया इसे 3 बार गुणा करो, या आप ऐसे बोल सकते हो 3 square 3 square 3 square। क्यों? देखो ये ब्रैकेट जैसे मार दिया तो ये अपने आप में एक बेस हो गया। 3 square में 3 base, 2 को 3 को आधार, 2 को घातांक नहीं मानते हैं, पहले इस संपूर्ण को ही आधार मान लेते हैं, अब बोलते हैं इसे 3 बार गुणा करें, ठीक है। और जब अब 3 square का मतलब है हम, अब जब चूंकि तीनों गुणे के चिन्ह में है तो फिर क्या होगा, बेस एक है या आपस में हो गए तो 3 to the power 6 हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में गुणे के संपर्क में होगा, मतलब इसको दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं 3 to the square into 3, मतलब ये जो है यहां पर 2 गुणे 3। देखिए यहां पावर जुड़ते थे, यहां पर क्या हुआ, जब एक 3 to the square 2 to the power 3 है, 3 square cube अगर हो जाता है तो ये 2 और 3 जो है, 2 घातांक जो है, ये आपस में गुणे में चले जाते हैं, जोड़ में नहीं जाते हैं। इस चीज को देखिए, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अभी आप टेस्ट देंगे तो तभी ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये 3 to the power 6 हो गया। उसी तरह 12 का cube to the power 5 है, तो यहां पर क्या होगा, सीधी 12 base लेके हम इसको गुणा कर देंगे तो हम 12 into 3 into 5 कर दिया, 12 to the power 15 हो गया। आशा करता हूं कि ये सारा चीज आपको सही रूप से समझ में आया हुआ होगा, क्योंकि अब देखिए अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये चीजें भूल जाएंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ भूलना पड़ता है, बड़े दुख के साथ। लोग वीडियो करते हैं और तमाशा होता है कि लोग वीडियो देखते हैं बोलते हैं अरे मैं तो सब समझ गया। नहीं यार, अभी तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि खाली वीडियो देख के आपको सीख लेगा, उसे कलम नहीं चलाना होगा। जो बोलते हैं और सोचते हैं वो पहले दर्जे के बेवकूफ और मूर्ख होते हैं। देखिए प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ये एक सिंपल सी बात है और इसे आपको समझना ही होगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, और मैंने बड़ा अजीब सा लगता है यार, आप वीडियो देखते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक में, क्योंकि आप लोग जो 100 में से 30 जन वीडियो के अंत तक पहुंचते हो, बाद बाकी तो सब तो काफी ज्यादा क्या बोलते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो आधे में देख के पूरी कहानी सुन समझ लेते हैं, चलो उनको भी धन्यवाद है। तो देखो यहां पे सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ये रेगुलर एक ऐसी जगह है जहां पर हर छोटे से छोटे जो है बेसिक से जुड़े हुए तथ्य मिलेंगे जिससे आपकी गणित आप सुधार सकें। और इसके लिए इसको दोस्तों में आप शेयर करो और एक लाइक अगर लगता है तो जरूर देना। चलिए अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया है उसे अगर क्लिक करते हैं तो कहां पहुंचेंगे। देखिए उसे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंचते हैं उस पेज पर जिस पेज से सारे बेसिक जुड़े हुए हैं। अब देखिए बेसिक कितने तरह के, इसी पेज में सबसे नीचे अगर जाएंगे, इस पेज के सबसे नीचे एक वीडियो है जिस वीडियो में बेसिक कितने तरह के होते हैं, कैसे सीखने चाहिए ये दिया हुआ है। अब देखिए बेसिक को हम 5 रूप में चेंज कर देख सकते हैं। पहला है जोड़ना, इसमें बहुत सारे बेसिक तथ्य हैं। घटाना दूसरा बेसिक तथ्य है। गुणा करना तीसरा बेसिक तथ्य है। भाग देना चौथा बेसिक तथ्य है। अन्य 5वां है। अब देखिए जैसे जैसे आप जैसे जोड़ना है,
जोड़ने में तीन तरह का होता है, और जहां ऐसे क्लिक करेंगे एक दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर दशमलव के जोड़ का वीडियो दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट दिया है, वर्गमूल के जोड़ का वीडियो दिया है, प्रैक्टिस दिया हुआ है। इसी तरह घटाना, मतलब हर पेज के साथ ये जुड़े हुए पेज हैं, केवल यहाँ लिखा ही हुआ नहीं, यहाँ पे विस्तृत वीडियो और जानकारी है, जैसे दशमलव का घटा हुआ, वर्गमूल का घटा हुआ, तो ये क्या है, लिखा हुआ है, वीडियो बनाया हुआ, इस तरह के 5-5 मिनट का वीडियो, और साथ में ही इसकी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसी तरह गुणा करना, आज जैसे हमने घातांक बोला या पावर का गुणा बोला, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले इसको समझ, इसके नीचे जो भाग देना, कल से हम भाग देने की प्रक्रिया में जाएंगे। तो आज अभी तक जो है आपकी इसमें यहां तक के सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं, आपने देखा कि वो लंबे डंडे पे हमने क्लिक किया, तो हम जो जहां पहुंचते हैं वो गुणे की पन्ने हैं, मतलब गुणे की सारे बेसिक जो क्रिया है उसमें है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, देखिए यहां पे कोई वीडियो तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन एक पहाड़ा कैसे याद करना है उसके लिए वीडियो डाले गए हैं, जिसपे आप प्रैक्टिस करके आप अपने पहाड़े को सही कर सकते हैं। क्या गणित में पहाड़ा नहीं आना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी का कारण होता है। फिर देखिए दशमलव का गुणा है, अगर आपने इसका वीडियो जो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो का दिया हुआ है, आप यहीं से वीडियो देख ले सकते हैं। देखने के बाद देखिए यहीं पर टेस्ट देने के लिए है, ठीक है ना, सबका टेस्ट देने का अलग अलग होता है। कल हमने वर्गमूल का दिया था, देखिए वर्गमूल का वीडियो अगर नहीं देखा हुआ है तो यहां पे आप वीडियो देख सकते हैं, यहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। आज देखिए इंडिसेस घातांक को आप इस वीडियो में आप समझ रहे हैं, और इसी वीडियो को समझने टेस्ट देने के लिए, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा यहां लग जाएगा, टेस्ट देने के लिए यहां क्लिक करते हैं। तो यहां जैसे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक दूसरे पेज पे आ जाते हैं, जहां पर देखिए ये टेस्ट का जो दिया हुआ है, ये टेस्ट दिया हुआ है। यहां पे जैसे आप स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, ये आपकी वीडियो शुरू टेस्ट शुरू हो जाता है। 13 × −2 × 13 × 7 इसका वैल्यू क्या होता है, तो 13^5, क्यों, बेस एक है, ये जुड़ेगा −2 + 7 = 13^5 होगा, यही इसका उत्तर होगा। और जब ये एग्जाम दे चुके होते हैं तो फिर क्या होता है, आप जो एग्जाम में पूछा गया है उसका पूरा जवाब भी आपको मिलता है। तो आप क्या होता है कि जब ने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद आप देखिए यहां पे ये सवाल था जो मैंने किया, ये बताता है कि देखिए राइट टिक है, सही किया है मैंने, और देखिए यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। ये अगर हम आपको समझ में नहीं आता 13^5 कैसे हुआ, तो उस गणित का तो जवाब भी है। तो आप प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां करते हैं, तो गलतियों का सही उत्तर क्या है वो पता चलता है। तो देखिए एक संपूर्ण तैयारी, केवल एक वीडियो नहीं जो यहां डाला गया है, आपका बस धर्म बनता है कि आप अगर सही में अपने बेसिक को तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको इन चीजों को करना ही होगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।